हाँ जी, तो लास्ट व्लॉग में अपन ने एक्सप्लोर करा था पंजिम सिटी, वहाँ की कुछ ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स एंड कुछ ब्यूटीफुल बीचेस। सो लेट्स स्टार्ट अवर एपिसोड 4, जहाँ पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नॉर्थ टू साउथ गोवा एंड वहाँ के वर्का बीच को अपन एक्सप्लोर करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। तो आज हम लोग हैं नॉर्थ गोवा में और आज हमारा है थर्ड डे यहाँ पे। बेसिकली हम लोग संडे की मॉर्निंग को यहाँ पे पहुँचे थे, संडे मंडे एंड आज है ट्यूसडे। और आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ टू साउथ गोवा। बेसिकली नॉर्थ में जो मेन मेन चीज़ें थी अपन ने कर ली और कुछ चीज़ें जो छूट गई है वो नेक्स्ट टाइम के लिए छूट। तो यहाँ से जो साउथ गोवा है वो ऑलमोस्ट हमें पड़ रहा है 60 किलोमीटर के आस पास। आज हमें पता नहीं किस रेट में कैब मिलेगी और बेसिकली आज हमें दो कैब करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग 14 लोग हैं। 14 के 14 एक साथ हम लोग नॉर्थ टू साउथ शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ पे हमने स्टे वगैरह सब बुक कर रखा है। तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 9 और सब लोग ऑलमोस्ट उठ चुके हैं। तो यहाँ से अब फटाफट निकलते हैं, पैकिंग वैकिंग अपनी पैकिंग सेकिंग डन करते हैं, स्कूटी जो है वो वापस रिटर्न करते हैं और उसके बाद निकलते हैं साउथ गोवा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर दो भाई। पाजी दावी चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। दो तीन लोग ना अभी सो रहे हैं भाई, उनकी वजह से मैं हमेशा लेट होता हूँ। पहला उनमें से दिलीप ऑल सेट ब्रो, ऑल सेट फॉर साउथ गोवा। अभी चलते यहाँ से, ऊपर वालों को भी उठा देते। अक्षय भाजी कितना? बहुत बढ़िया। मयंक भाई कैसे? बढ़िया सर। फोन उठा लिया अगर स्नेल। हम लोग सुबह सुबह बाहर घूमने गए थे। हर्ष भाजी कितना? बढ़िया। जतिन भाजी कितना? बढ़िया भाई। रात का सीन सेट था? कल बहुत बढ़िया रात थी भाई। रात को ना 4 बजे बोल रहा है बीच पे कबड्डी खेलते हैं। तो सब लोग रेडी हो गए और यहाँ से अभी निकलते हैं। सामान वामान भी ऑलमोस्ट सभी का पैक है पूरा। यहाँ पे देखो अपना पूरा पैक है। यहाँ पे थोड़ा सा बिखरा हुआ अपना बैग पैक है, बाकी ये भी पैक है और यहाँ भी सब लोगों ने पैक कर लिया। बस बैग लेके निकलना। अब हमारे साथ एक ना सीन ऐसा हो गया कि जिससे हमने स्कूटी ली थी रेंट पे, तो 400 रुपये पर डे के हिसाब से ली थी। मतलब सब जगह 500 में दे रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से 400 रुपये उसको कन्विंस करा। अब उसने क्या, जब हम उसको वापस दे रहे थे, अब हुआ क्या कि उस पर ना आगे वाला जो मडगार्ड होता है उस पर हल्का सा डेंट आ गया। वी डोंट नो वो कैसे आया, किसी को भी मिसहैपनिंग नहीं हुई, बट मतलब लाइक किसी से कोई गिरी विरी नहीं बाइक की, हम श्योर है। लगता है कहीं पे पार्किंग वगैरह में हमने जब लगाई थी वहाँ पे कुछ इश्यू होगा। तो अब वो बोल रहे हैं कि उस चीज़ के उसको 2700 रुपये चाहिए और वो बिल्कुल भी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो हमने फिर हमें देने पड़े क्योंकि हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह थे उसके साथ और हम लोकल के साथ यहाँ पे कुछ भी लाइक सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो हमने वहाँ पे 2700 रुपये पे करे, वो हमारे बिना मतलब के लग गए हैं आज के लिए। क्या करवाया अपन ने अभी जाने के लिए? ट्रैवलर बुक करवाया। 20 सीटर है ना? 14 सीटर ट्रैवलर है। कितने का पड़ा? 4K। बहुत ज़्यादा मेहनत से भाई 4K पे लेके आए उसको। अभी निकलते हैं यहाँ से, सामान वगैरह अपना लेते हैं। तो ये अपना स्टे था पिछले 3 दिन का। क्या ले रहे हो? माउंटेन ड्यू लिया साडा वीर, बोलू वीर मेरा ते गोलू वीर गोलू और बोलू गोलू बोलू बोलू। तो ये अपना ट्रैवलर है, बेसिकली 17 सीटर है और हम लोग 14 हैं। तो लगेज हमने पीछे भी डाल दिया और जो बाकी रह गया वो आगे डाल देंगे क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा है। बाय गाइस, ये हमारा ट्रैवलर है। इसको देख के हमको ओली की याद आ रही है जो हमने पिछले ट्रिप में। ओह माय गॉड, जो हमारी लास्ट नेत्रा की ट्रिप थी ओली। कैलंगूट टूरिस्ट कभी नहीं रुकना, टूरिस्ट कभी और, नहीं। और दूसरी बात, यहाँ से स्कूटी लो ना तो उसका वीडियो एकदम बारीकी से बनाना क्योंकि यहाँ के लोग बड़े चूतिए हैं लास्ट में काटने का इनको। मतलब गाड़ी में है कि नहीं है, क्या सीन है। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे साथ थोड़ा सा ना सीन हो गया था स्कूटी वाला, जो लव बाइट्स भाई के लव बाइट्स। क्या हो गया? चली आल दो आल दो आल दो आल दो
तू अंदर हो जा, तेरी वजह से व्यू ब्लॉक हो रहा भाई। हाय फॉरनर्स, हाउ आर यू? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ओवीर, आप पहुंच गए हैं एक्वेरियम ते, हम आप लेने हैं थोड़े मछलियां का स्वाद। मछलियां का स्वाद और ले लो, बस हो गया हो गया, बस 5 सेकंड हो गया। हाँ बड़ी भुख लगी है, ढिड च कुड़कुड़ कुड़कुड़ होई जांदी है, वो नहीं करा होएगा, चुस्की नहीं खिला होएगा, चूसना है क्या? क्या कहते हैं इसको, बर्फ का गोला। अभी हम लोग पहुंचे हैं APYSS एक्वेरियम, फिस एक्वेरियम है ये। एक बार टिकट वगैरह पूछ लेते हैं, अंकल बोले कि आप घूम के आओ, मैं हाफ एन आवर का टाइम हम ले लेंगे, बढ़िया इधर चिल कर लेंगे और उसके बाद आगे अपन, बस यार उसके बाद आगे अपन लोग निकल लेंगे अपना साउथ गोवा के। तो अभी चलते हैं एक्वेरियम में, ये है APYSS मरीन फिश एक्वेरियम। अब यार यहाँ पे ना एक वो है एक्वेरियम है, एक हॉरर हाउस है, एक 12D थिएटर है जिसमें वो ऐसे ऐसे हिलता विलता सब कुछ मछली देखने को भाई। अंदर एक हर्ष भी है जो ऐसे मूत रहा है ऐसे एक्वेरियम में भाई, उसे सच में मूत ही रहा वो कब से। हम जा रहे हैं, हम चल रहे देखने, चल रहे, चलो चलो चलो। अबे सुन ना, 250 रुपए में हॉरर हाउस प्लस नहीं देखना, हॉरर सिर्फ ओनली एक्वेरियम लग रहा है सिर्फ। अरे सर नहीं देखने, एक्वेरियम 100 का टिकट है, हॉरर हाउस किसी को नहीं देखना, नहीं आप घूम के आए अंदर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। हमने वहां से एक मच्छी उठा के कर ली, खा लिया, लंच कर लिया हमने। तो यार उन लोगों ने ना हमें ट्रायल दिया, एक जने को भेजा था हमने नूर को, और टिकट यहाँ की 200 रुपए है एक्वेरियम की, तो 200 हमें वर्थ इट नहीं लग रहा। टैंक्स में वो मछलियाँ वछलियाँ रखी हुई है, बट तो ये हमारे स्टे यहाँ पे, बेसिकली हम लोगों ने 2 घर बुक करे थे पूरे। गाइस हाइपर मत होना स्विमिंग पूल देख के, मैं ऐसे बहुत रईसों वाले होटल्स में ही रुकता हूँ, आदत है। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी मिली यार, उन्होंने स्विमिंग पूल से मार मार के। बढ़िया जगह चिल विल करने के लिए, खाना खा के आके यहाँ पड़ जाएंगे यार, छाया आ जाएगी अभी ना। ओ नाइस दोस्तों, पकाएंगे खाना जबरदस्त वाली किचन है भाई, खतरनाक, क्या सही प्रॉपर्टी मिली वे, मजा आ गया बहुत तगड़ा। ये तो एक है, ऐसे 2 है अपने पास, ये अपना फ्लैट हो गया, 2 फ्लैट एक पेंट हाउस जिसमें 3 BHK। यहाँ पे एक और रूम अपना इधर है, एक रूम ये रूम नहीं एक्चुअली, 2 ये फ्लैट्स है और एक पेंट हाउस है। अभी सब खाना खा रहे हैं और एक कमेंट है, साउथ गोवा ना नॉर्थ गोवा से बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब लिटरली ये सब्जियाँ ना 130-140 के आसपास की, और एक क्वांटिटी देखो क्या दिक्कत है, मेन्यू तो वही रहेगा ना भाई। तो खाना खाते हैं अभी और फिर चलते हैं वापस, पूल वूल में बैठेंगे बढ़िया। तो गाइज लंच अपना हो गया और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एक्चुअली गाड़ी आ गई अपनी, तो यहाँ से 7 बंदे जाएंगे, 7 स्कूटी लेके आएंगे और इन बंदों को पिक करके अपन अपने होटल चलेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो हर्ष भाजी फ्राइडे है, धुनेर लाइसेंस है तेरे पास? क्या लाइसेंस है? आ जा तू, आ जा तू, आ नागी को बाहर निकाल, तेरे पास नहीं है, बैठा क्यों था फिर? हमने तो कहा कि बैठ बैठ बैठ, सर ने कहा यार आ जा बेंच, हमने तो कहा पतला है तू आ जा, कौन से नशे करके। तो यहाँ से हमें स्कूटी वगैरह मिल गई और बाकी यार साउथ गोवा ना इतना प्यारी जगह है ना, मतलब तो 4 स्कूटी हमें यहाँ से मिल गई, 3 स्कूटी वहाँ साइड से मिलेगी, मतलब यहाँ पे सिटी विटी वाला कोई माहौल नहीं, एकदम बढ़िया गांव सा है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने स्कूटी ले ली है, 3 स्कूटी, एक जुपिटर है, एक एक्टिवा एंड एक और एक्टिवा, तो ब्लू वाली ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा मनिंद्र और ये ले रहा जतिन भाजी। साउथ गोवा में कभी भी आते हो तो मैं आपको ना यहाँ का एड्रेस एंड नंबर यहाँ पे डाल दूंगा, तो अंकल के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको स्टे या बाइक वाइक का कोई भी रेंटल पे चाहिए होगा। सारी स्कूटी एकदम न्यू है, मतलब कहीं पे कोई स्क्रेचेज भी नहीं है, बाकी की 4 स्कूटी वहाँ से वो लोग ले रहे हैं। अभी सब गाड़ियों में हमने पेट्रोल डलवा दिया, 300-300 का डलवाया क्योंकि 3 दिन के लिए गाड़ी है, तो आराम से चलाएंगे मस्त। और बाकी यार साउथ गोवा ना इतना सुंदर है भाई, इतना सुंदर है, नॉर्थ में ना बहुत ज़्यादा क्राउड है और यहाँ की पेट्रोल की रेट भी 95 रुपये है। तो गाइस यार मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी टूर करवा देता हूँ, ये अपना एक इधर है, एक इधर है और एक पेंट हाउस है, तो यहाँ पे चलते हैं अपन। यहाँ पे सोफे वगैरह है, बढ़िया सा बेड लगा हुआ, बालकनी है उधर, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए है, और बालकनी के जस्ट पीछे अपना पूल है, उधर है बीच है, पूरा रेजिडेंशियल एरिया, काफ़ी प्यारी जगह। अब चलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे है अपना किचन, फ्रिज वगैरह दे रखा है अंकल ने, गैस सिलेंडर वगैरह लगा लिया, डबल फ्रिज है, गैस बर्तन वगैरह सब कुछ है अपने पास, ठीक है। ये हो गया अपना बाथरूम, काफ़ी क्लीन काफ़ी बड़ा भाई साहब, बेडरूम
यहाँ पे बढ़िया सा पलंग लगा हुआ है। एक और बेड रूम, इसका अटैच्ड बाथरूम है, ये भी बहुत सही है। ये बहुत बड़ा रूम है भाई, बहुत बड़ा, ठीक है। और यहाँ से भी बालकनी व्यू है, यहाँ पे पीछे रोड वगैरह आ गई। तो ऐसे अपने पास तीन है, मतलब लिटरली अमीरों वाली फील आ रही है भाई, अमीरों वाले की। तो भाई हम लोग घुसे ना, हमें लगा कि ये एक ही हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा। क्या रेट क्या पड़ी यहाँ की अपने को? ये अपन को पड़ गया पर पर्सन 588 का, पर पर्सन पर डे। हाँ पर डे, ठीक है। तो हम 14 लोग हैं तो मतलब 600 रुपए के आसपास, 588 पर पर्सन पर डे। तो हमने 3 दिन के लिए बुक करवाया। क्या ब्रो, चल स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में चल रहे हैं ब्रो। तो मैं इसके बाद अपन लोग चलेंगे अभी वर्का बीच। और ये प्रॉपर्टी देखिए यार, क्या मजेदार है भाई, क्या सही जगह लग रही है। रास्ता भटक गए तो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्का बीच। तो गाइस हम लोग रास्ता भटक गए और ये लोग भी थे हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, बट आगे ये गाड़ी नहीं जा रही, बट मेरे को लग रहा बाइक वाइक ना निकल जाएगी, तो इनको निकलने देते, फिर अपन ट्राई करते हैं। हर्ष यहाँ पे बैक करवा रहा है। हम लोग अभी पहुंच गए वर्का बीच पे और ये है बीच जिसको देख के ऐसे वाओ फैक्टर वाला मजा आया। क्या कलर्स लग रहे हैं यार इसके, बीवर ऑफ जेलीफिश भाई, कैसा लग रहा है साउथ गोवा के? अरे यार नॉर्थ गोवा कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ साउथ गोवा में 6 दिन स्टे करो, 2 दिन नॉर्थ गोवा। ये देख रहे हो बीवर ऑफ जेलीफिश, ये बेस्ट जगह है, वाओ फैक्टर अब आया। हाँ, ये आप व्यू देखिए यहाँ का, वो देखिए, ये है रियल गोवा वाली फीलिंग। जेलीफिश भी है, ये देखो जो रास्ते वास्ते है ना भाई, मजा ही आ रहा है। आप लोग को यही आना चाहिए, नॉर्थ जाने की बजाय यही आओ, यहाँ का बीच बहुत लाजवाब है। नॉर्थ भी आओ ताकि तुम्हें कल को फोमो ना रहे उसका कि भाई क्या है क्या नहीं है नॉर्थ में, एक दो दिन लगा लो यहाँ पे पैर वैर धोने के लिए। तो हम लोग वर्का बीच से वापस आ गए थे अपने रूम पे, नहाए धोए थोड़ा मतलब रेस्ट करा, और उसके बाद पूल पे पीछे कुछ फोटोज वगैरह खींची। अब डिनर के लिए हमने करा डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर और लेके आते हैं, खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। एक्चुअली आज का हमने ना थोड़ा सा लाइट ही रखा था क्योंकि कल हमारा ना थोड़ा हेक्टिक हो गया था, पंजी वगैरह गए थे, तो कल का पूरा दिन सुबह से रात के 3 बजे तक हम लोग बीच पे बैठे थे, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया, तो फिर हमने कहा आज का थोड़ा लाइट रखेंगे। तो आज हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ आए, यहाँ पे वर्का बीच वगैरह गए। यहाँ पे ना स्कूटी के साथ मेरे को फुल फेस वाला हेलमेट मिला ही नहीं कहीं पे भी, तो जो मेरा हेलमेट है वो हाफ फेस है और उसके साथ मैं गोप्रो को अटैच नहीं कर सकता, तो मोटो व्लॉग तो मेरे को नहीं लगता कि साउथ गोवा में हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा अपन फ़ोन से या फिर गोप्रो से जो अपना पिलियन है उनसे ट्राई करवाएंगे कवर करे, इसकी वजह से वो रोड्स वगैरह मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो रोड्स, आसपास के घर देना वो इतने कलरफुल देना। बाकी इंस्टा पे स्टोरी वगैरह उन घर की मैंने लगाई, उन रास्तों की मैंने लगाई है, तो इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं करा जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो। गाइस पिज्जा आ चुका हमारा, सबसे आगे मन्नी पाजी लीड कर रहे हैं, इधर स्नेहल तुनीर पाजी और नूर है पेमेंट वाली। पिज्जा आ गया बॉयज, बॉयज एकदम टूट पड़े हैं, एकदम मस्त, क्या बात है एकदम मजा से आ गया के लिए तो स्पॉन्सर के लिए मेरे को पैसे कमाने, सब्सक्राइब कर दो यार, ये था अपना डे 3 इन गोवा। तो अगर आपको ये व्लॉग आया हो पसंद तो व्लॉग को करना लाइक, और चैनल को जैसा अभी सभी लोग बोल रहे हैं ठोक के सब्सक्राइब करना है, एकदम बढ़ा दो मस्त, एकदम बढ़ा दे। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसमें बेसिकली हम लोग साउथ गोवा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, यहाँ के आसपास बीचेज वगैरह जो भी है, तो साउथ गोवा की जो ब्यूटी है ना वो भी आपको हम दिखाएँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।